अस्सलामुअलैकुम भाई, नंबर कंटिन्यू नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा, नो रिस्पॉन्स, नो सर्वर, ये बता रहा है। भाई नंबर देने के बाद बोल रहा है नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। क्या सर हम बेफार्म से अप्लाई कर सकते हैं? मेरी एज 18 से कम है, और क्या फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं या नहीं अप्लाई कर सकती? भाई ये पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। भाई मेरा नंबर रजिस्टर नहीं हो रहा, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पीफर प्रोवाइडर। पीफर प्रोवाइडर की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों ये कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं मेरी कमेंट सेक्शन में यूट्यूब की वीडियोस के नीचे, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे बनाई हुई है। तो इन सभी सवाल का जवाब आज को आपको देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही? तो भाई इसमें चेंजेस हो रही हैं, इसमें अपडेट्स हो रही हैं। जैसा कि पीएम इमरान खान साहब ने बताया था कि हम कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है वो इसके थ्रू उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी सिलसिले में इसमें कुछ चेंजेस हो रही हैं, कल रात से चेंजेस हो रही हैं। कल रात 2 बजे तक मैं लोगों को रिप्लाई करता रहा हूँ जो कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे। तो अभी मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ और बता सकूँ कुछ बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स नहीं कर रही या एरर आ रहा है और उनका अकाउंट नहीं बन रहा, तो फिलहाल वो ठहर जाए, वेट करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले के इंस्टॉल कर ली है अपने मोबाइल में, बस काफ़ी है, इतना रुक जाए। दूसरी बात, जिनका मोबाइल नंबर का एरर आ रहा है वो कोशिश करें कि 0 हटा दें। हमारा मोबाइल नंबर 0303 से शुरू होता है, तो हम स्टार्ट वाला जो 0 है वो हटाकर फिर लिखेंगे तो हमारा एंटर हो जाएगा। अगर एक नंबर पे मसला आ रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो आप कोई और नंबर चेंज करके देख लें, आपका हो जाएगा। तीसरी बात, यूजर नेम का जिनका एरर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है या यूजर नेम का कोई मसला आ रहा है, तो भाई वो एक बार अपना यूजर नेम चेंज कर लें या यूजर नेम पे भी अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे तो उनका जो है वो यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा। या अपने नाम के आगे कोई भी डिजिट लिख दें, 1234 या 54321 या 786-1122 या कोई भी डिजिट जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं, तो आपका वो यूजर नेम वाला मसला भी हल हो जाएगा। ईमेल वाला क्वेश्चन भी बहुत आए थे कि सर ईमेल कौन सी लगानी है उधर, तो भाई ईमेल कोई भी जीमेल जो है वो आप उधर लगा सकते हैं जिससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यार एक क्वेश्चन जो बार बार आता है वो ये आता है कि सर हम पासवर्ड दे रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, वो लॉगिन नहीं हो रहा। तो भाई रजिस्टर करना होता है, पहले पहले खुद को रजिस्टर करो। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ सिटीजन पोर्टल पे तो पहले अपने आप को वहां रजिस्टर करो, रजिस्टर करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रजिस्टर करने के लिए मोबाइल देना, नंबर देना होगा, जैसे कि मैंने बताया 0 हटाकर आपने लिख देना है, +92 वहां ऑलरेडी लिखा होगा, आप आगे अपने 3031234567 जो भी आपका नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो होता है यूजर नेम का, ईमेल का और पासवर्ड का। अपने यूजर नेम की जगह भी अपना नाम लिख देना है, कोई नंबर लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे या जीमेल जो भी है, याहू मेल है, जो भी आप लिख देंगे उधर, पासवर्ड अपना जो आपको याद रह सके इस पोर्टल को खोलने के लिए वो आपने लिखना है। बहुत से लोगों को ये सवाल थे कि सर हमने पासवर्ड जीमेल वाला लगाना है, तो भाई यहाँ आपने वो पासवर्ड लगाना है कि जो आपने इस सिटीजन पोर्टल को ओपन करने के लिए टाइप कर सके, जो आपको याद रह सके। अब आखिर पे जो मरहला आता है वो आता है शनाख्ती कार्ड देने का और अपने एड्रेसेस देने का। तो शनाख्ती कार्ड वाले पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड देना है जिसपे आपने काम करना है। शनाख्ती कार्ड दे दिया, उसका नंबर दे दिया, उसके बाद अपना सूबा सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करनी है, तहसील सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और अपनी इसी तरह नीचे सबसे आखिर में जो है आपने फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक कर दिया, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब जिन्होंने अकाउंट बना लिया हुआ है, सबसे पहली बात जिनको नहीं बनाना था तो वो भाई मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, हमने मैंने तरीका बताया हुआ है। अब जिनका अकाउंट बना हुआ है वो कह रहे हैं कि हमारा नॉट सर्वर रिस्पॉन्ड आ रहा है या कोई इशू आ रहा है, तो भाई आप थोड़ा सा वेट कर लें, इसमें चेंजेस हो रही हैं। इसमें अपडेट कर दिया जाएगा कि आपने कब जो है इसमें अप्लाई करना है, वो वाला फॉर्म जो है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स देनी है वो सारी आपको उसमें बता दी जाएंगी, कि वो उसी बार में प्लगइन्स लगा रहे हैं ना आपकी एप्लीकेशन में, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह शाम तक या कल तक हो जाएगा इस मसला सॉल्व। आपको वीडियो बनाकर भी बता दूंगा कि भाई वो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसको कैसे फिल करना है, ये तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करके रखें। और आखिरी बात कि इसमें फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो भाई फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जो जॉब होल्डर्स हैं उनको छुट्टियाँ हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वॉलंटियर वर्क है, रजाकारना तौर पर आपको
यहाँ काम करना होगा, जिसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मिला तो राशन मिल सकता है आपको, और उसके बाद अवार्ड्स या शील्ड्स मिल सकती हैं, सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में भी काम आ सके। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर कोई इसमें मसला आ रहा है आपको, अभी भी कोई मसला आ रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि भी कमेंट में का मैंने रात 2 बजे तक भी रिप्लाई करता रहा हूँ। वैलिड कमेंट जिनके होंगे मैं उनको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। मैंने कंप्लीट तरीका ऑलरेडी बताया होता है अप्लाई करने का, रजिस्टर करने का, और कंप्लीट मालूमात मैंने पिछली वीडियोज में आपको दी हुई है। मैं फिर इस वीडियो में रिप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, ताकि आप लोग भी आप इसी में शामिल हो सके। तो ये आज की शॉर्ट वीडियो, जिसमें एक मसला जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे कमेंट, मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर आपको बता दूं, ताकि कमेंट का रिप्लाई करने में बहुत देर लगेगी तो आपको वीडियो ही दे दूं ताकि आपका मसला भी हल हो जाए। तो इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन वाला आइकन नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।